तो आज दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी टीवी 9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया का है दूसरा दिन, और आज मैं आ चुकी हूँ यहाँ के एक स्टॉल पर जहाँ पर अक्सर सबसे ज्यादा भीड़ हमें देखने को मिल रही है भाई, क्योंकि त्योहारों का सीजन है, त्योहार आ रहे हैं तो ऐसे में लोग शॉपिंग करने के लिए भी आ रहे हैं, और टीवी 9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया से जगह अच्छी जगह तो कोई और हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ आपको एक ही छत के नीचे खाने के लिए भी बहुत सब कुछ मिल जाता है, शॉपिंग के लिए भी मिल जाता है, प्लस एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास यहाँ पर 30+ म्यूजिशियन भी अवेलेबल है। तो आज मैं जिस स्टॉल में आई हूँ ये बहुत यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सबसे पहले तो जब भी त्योहारों की बात होती है तो फ्लावर्स मिठाइयाँ ये सब आती है, मिठाइयाँ आपको दिखा चुके हैं और अब बारी है फ्लावर्स की। आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, इनको देख के ऐसा लग रहा है कि कितने रियल है, बट मैं आपको बता दूं कि नकली यानी आर्टिफिशियल फ्लावर्स है और इनको बहुत खूबसूरती से बनाया गया है, और सबसे अच्छी बात है कि इनका प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है। मेरे साथ बात करने के लिए मुझे प्राइस बताएंगे जरा, ये इसका क्या प्राइस होगा? 300 each. एक लेने के लिए आपको अपनी जेब से 300 पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पे और भी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं देख रही हूँ, जैसे आप ये देखो कितना क्यूट है, घर में आपको सजाने के लिए ऐसी बहुत प्यारी सीनरीज होती है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप अपने घर में सजा सकते हैं, चाहे ये हो। ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है, देखिए कितना प्यारा खरगोश है। और ये इसका प्राइस क्या होगा मैम? ये 1500 के हैं, ये पूरा पेयर आता है, फैमिली आती है पूरी। अच्छा, ओके ओके। तो अगर आपको पूरा पेयर चाहिए यानी आपको एक साथ एक दो और तीन, ये तीन मिल जाएंगे, ये तीन आपको 1500 के मिल जाएंगे। पीछे आप देखिए इतने प्यारे हाथी हैं, चाहे आप देखिए डॉल्स बनी हुई हैं, डॉल्स भी हैं पीछे, एलिफेंट्स बने हुए हैं, और साथ ही ये जो स्टैचूज होते हैं जो अक्सर हम दिवाली के मौके पर या जब भी हमारे घर में कोई फंक्शन होता है तो इस तरह के स्टैचूज लगाते हैं, तो ये सारे स्टैचूज हैं। और सबसे अच्छी बात है ये कोई भी स्टैचू बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, ये सब ऐसे हैं जो आपकी जेब में आपको भारी नहीं पड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि और भी बहुत सारे स्टॉल्स हैं जिन पे मेरी नज़रें नहीं रुक रही। भाई त्योहारों का मौका है तो त्योहारों में आप कपड़ों का बहुत ध्यान देते हैं, आपको लगता है कि हम अच्छे अच्छे कपड़े पहने, ब्राइट कलर्स पहने, ताकि हम सबसे पूरी महफिल में हम ही लूट जाए। अब ये देखिए जरा इस तरफ आप नजर घुमाएंगे तो ये पूरे कपड़ों का स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए एक से बढ़कर एक अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी सूट में की गई है, मतलब अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे ये रेड कलर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो बहुत सारे कलर्स हैं यहाँ पे जो अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, पहली बात तो मुझे बताइए इनका प्राइस क्या है, अगर ये रेड वाला खरीदना है, लाल वाला खरीदना है तो उसका प्राइस क्या होगा? मैम ये रेड वाला 4000 रुपीज का, ये प्योर कॉटन में है, बिल्कुल प्योर कॉटन है, 4000 रुपीज का है, ये पूरा लेस वर्क में है। अच्छा, ये पूरा लेस वर्क है, और ये ऐसा तो नहीं कि निकल जाएगा? बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल पूरा हैंड वर्क है, पूरा ये पूरा हैंड वर्क है। अच्छा, तो 4000 का यानी 4000 आपको उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये पूरा हैंड वर्क है, यानी आप कितना भी वॉश करेंगे तो ये निकलेगा नहीं। ऐसे देखिए मेरे पीछे कितने सारे कलरफुल यहाँ पे कुर्ती लगी हुई है, चाहे येलो कलर हो, चाहे पिंक कलर हो, चाहे ब्लैक कलर हो। तो टीवी 9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आप घर के लिए शॉपिंग कर सकते हैं, आप अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं, आपके खाने पीने का बहुत अच्छा इंतजाम है। देखिए आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी बहुत सारे लगे हैं, अगर आपको भूख लग रही है तो आप खाने के लिए भी आराम से आ सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं आपके साथ सजान के लिए, आपको सजाने के लिए, आपके घर को सजाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास अवेलेबल। जैसे आप ये देखिए यहाँ पे बैंगल्स वगैरह भी रखे हुए हैं, यहाँ पे बैंगल्स बहुत सारे हैं, जैसे आप ये देखेंगे ये बैंगल्स अक्सर आप त्योहारों पे, और हमारे साथ मैम भी है, मैम आपने शॉपिंग कर ली? इट्स ओके ओके। तो ये बैंगल्स भी अवेलेबल हैं, आप इसको कितने का प्राइस है इसका? ये 250 का है, और हाँ एक्चुअली ये थाईलैंड का प्रोडक्ट है, मतलब चीज़ ये है कि चाइना के प्रोडक्ट आपको पता है काले पड़ जाते हैं, तो ये काला पड़ने वाला नहीं है, जितने भी बैंगल्स है और भी चीज़ें डेकोरेटिव आइटम है, तो ये हमारे लिए अच्छा है कि हम थाईलैंड का यहाँ पर कस्टमर्स को दे रहे हैं। और इस साल जो टीवी 9 भारतवर्ष की तरफ से एग्जीबिशन लगाई गई है, तो पिछले साल भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था कस्टमर का, तो इस साल भी उम्मीद है, क्योंकि एक संडे भी पड़ रहा है तो कस्टमर अच्छे आने की उम्मीद है, क्योंकि लास्ट ईयर हमारा जो बिजनेस था वो हमने प्रगति मैदान को बीट कर दिया था, तो उम्मीद है यहाँ पर इस बार अच्छा होगा। तो बिल्कुल जिनको नहीं पता, जिन दर्शकों को बता दूं कि टीवी 9 भारतवर्ष ने इससे पहले भी पिछले साल भी इस तरह का टीवी 9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज किया था, जिसको जनता का इतना प्यार मिला कि अब ये सेकंड इनिंग्स है, यानी इस साल ये दोबारा लेकर आए हैं, और इसीलिए यहाँ पे जो लोग हैं वो बार बार आ रहे हैं। थाईलैंड की स्पेशलिटी है ये, हाँ ये बाकी और कंट्रीज में बना रही है, लेकिन वो जैसे ही गिरेगा वो टूट जाएगा। अच्छा। ये बिल्कुल मतलब ऐसा ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी। अच्छा। सालों साल चलने वाली चीज़ है। अच्छा। तो सबसे अच्छी चीज़ है ये कह रहे हैं कि ये थाईलैंड के प्रोडक्ट्स हैं, ये टूटेंगे नहीं, और आप जैसे जनरली होता है कि कुछ सॉफ्ट चीज़ें होती है आपके हाथ से ड्रॉप होता है तो वो टूट जाती है, बट ऐसा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे इनका कहना है कि ये थाईलैंड के प्रोडक्ट्स हैं तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसमें ये जैसे गजरा है
इसमें एक ऐसा केमिकल डला है कि ये 4-5 साल तक इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो जाएगी नहीं, आप देख सकते हैं। स्मेल तो आ रही है, बहुत अच्छी स्मेल है। आई विश कि मैं आपको इसको स्मेल करवा पाती, बट बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो ये चीज है, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी दिल्ली में दिवाली करीब है, शादी करीब है, तो आप आइएगा और इधर आनंद लीजिएगा बच्चों के लिए, और बहुत अच्छी अच्छी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल सही चीज कही इन्होंने कि TV9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया की ये बहुत अच्छी खूबी है कि यहाँ पे अगर आप अपनी फैमिली के साथ भी आते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी आते हैं, हस्बैंड वाइफ भी आते हैं, कोई भी आता है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी दिखेगी, बहुत सारी चीजें दिखेगी जो आपको मिलेगी, और वो भी बहुत अच्छे दामों में मिलेगी। साथ ही खाने पीने का इंतजाम है, आपके एंटरटेनमेंट का भी इंतजाम है। जैसे मैं एक और स्टॉल में यहाँ पे आई हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये क्लिप है जो आप सर पे अक्सर लगाते हैं, देखो कितनी प्यारी क्लिप है, मैं लगा के देखती हूँ, लेट मी ट्राई, आई होप मैं अच्छी लग रही हूँ। तो इस तरह के ये, इसका प्राइस है, इट्स 200 रुपए की है। तो अगर आप 200 रुपए के ऐसे 100 रुपीज, ओके 100 रुपीज, अच्छा सॉरी 100 रुपीज का है ये, 100 रुपए का है। तो 100 रुपए में अगर आपके ऐसे शौक पूरे हो उसके, अगर आपको फूलों से अपने आप को सजाने का शौक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे एक ही छत के नीचे बहुत सारे मुझे स्टॉल्स नजर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मुझे बहुत सारे नेकलेस भी दिख रहे हैं, पीसेस भी भाई, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फेस्टिवल शुरू होता है तो आपका मन करता है कि आप घर को सजाएं, खुद को सजाएं, और साथ ही थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करें। तो खुद को सजाने के लिए जब भी आपके दिमाग में चीज़ आती है, कपड़ों के बाद सेकंड चीज़ आती है ज्वेलरी। तो जैसे मैं ज्वेलरी पे, मेरा ये ज्वेलरी पे ध्यान गया, इसका क्या प्राइस है? 3,500। और क्या स्पेशलिटी क्या है इसकी, सबसे अच्छी चीज़ क्या है? ये अमेरिकन डायमंड एंड स्टेनलेस स्टील गोल्ड प्लेटेड है। अच्छा ओके, कैन आई ट्राई वंस? ओके ओके, सो एक बार आप लोगों को ट्राई करवा देती हूँ कि कैसा लगेगा ये पहनकर। अगर मुझ पर अच्छा लग रहा है तो आई एम श्योर फिर आप पर भी अच्छा लगेगा। इट्स 3,500 राइट, और 4,000 3,500 का ये, आप मुझे बताइएगा मुझ पर कैसा लग रहा है, मुझ पर खिल रहा है या नहीं कर रहा है। जनरली मैं ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि ये ज्वेलरी बहुत अच्छी लगी तो इसलिए मैंने पहना। तो अगर आपको ज्वेलरी पहनने का शौक है, इस तरह के इयररिंग्स पहनने का शौक है, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे TV9 फेस्टिवल ऑफ इंडिया में, जहाँ पर आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे, जहाँ पर आपको बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, आपको ज्वेलरी मिलेगी जो आपकी खूबसूरती को और इन्हेंस करेंगी। पूनम अधिकारी, TV9 भारतवर्ष।